हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। भगवान से दुआ करते हैं आप सब लोग अच्छे हों। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बारिश लगी हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम। अभी दोपहर तक तो बिल्कुल बारिश नहीं थी, इतनी धूप थी, इतनी धूप निकली हुई थी, चारों तरफ से धूप ही धूप, बहुत उमस, बहुत गर्मी हो रही थी। अचानक से मौसम ऐसा हुआ कि मतलब हल्का हल्का ऐसे मुझे लगा जैसे बारिश या आंधी कुछ ऐसी आने वाली है, तो अचानक से होने लगा। बादल बहुत तेज गरज रहे हैं। तो पहले मैंने व्यू दिखाया था वो आगे वाले, मतलब आगे से मेरे घर का व्यू है, और जो पीछे साइड में दिखाया था जब जिससे मैं मिरर का चिटकनी खोल रही थी, वो पीछे साइड का व्यू है। तो आवाज़ भी आ रही होगी, बादल बहुत तेज गरज रहे हैं। और मेरी वॉइस अगर स्लो आ रही है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं फुल स्पीड में भी बोल रही हूँ, तब भी इस बारिश की वजह से अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो आई एम सो सॉरी। तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग तो शूट नहीं करने वाली थी, तो ब्लॉग शूट नहीं किया है, सिर्फ एक मैं 3 दिन से कंटिन्यू जो मैंने ब्लॉगिंग करी थी वो मैंने बना के रख दी थी। जैसे कि मैंने मतलब परसों रात में मैं 3 बजे तक ऐसी जगती रही, क्योंकि मेरे को पता नहीं आजकल क्या, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, नींद नहीं आती है मुझे, पता नहीं क्या हो गया है। तो उस चक्कर में मैंने 3 बजे तक 3 दिनों के जो भी वीडियोस थे मैंने फटाफट एडिट करे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है बच्चों के साथ में, तो तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश करी, मैंने कहा चलो थोड़ा रूटीन भी मेरा चेंज हो जाएगा और हमको भी थोड़ा बॉडी रिलीफ मिल जाएगा। तो हर किसी को यार वो होता है, तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। जो भी ब्लॉग पहुँच रहे हैं आप लोगों तक, पहले वाले पहुँच रहे हैं, और क्योंकि इसलिए मैं पहुंचा रही थी, इसलिए मैंने बना के रख लिए थे कि आप लोग को मतलब ये ना लगे कि मतलब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, कुछ नहीं डालती हूँ, कि मतलब एक भी दिन का या फिर ज़्यादा दिन का कैफिंग ना हो, आप लोगों तक मेरे ब्लॉग तो कम से कम मिलते रहेंगे। तो आज मैंने इसलिए ये ब्लॉग शूट किया है क्योंकि अभी मैं कुछ अपने फ्रेंडों के ब्लॉग्स वगैरह देख रही थी, तो वहाँ पर जाके एक यूट्यूबर हैं जिनके मैं अभी कुछ दिन से उनको मैं फॉलो कर रही हूँ, उनके ब्लॉग्स में काफ़ी देख रही हूँ, अभी कुछ दिन से देख रही हूँ, तो आप लोग उनका नाम भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। हाँ, तो देखने लगी थी मैं, बेटी कहीं जानती नहीं है, उसको भी देखना पड़ता है। तो मान्या के नाम से है, मान्या इंडियन ब्लॉगर जो है वो, क्या नाम उनका, मैं अभी कुछ दिन से फॉलो कर रही थी उनकी, मुझे वॉइस हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं देख रही थी। लेकिन अचानक से उनके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, इतना मतलब कि एक कहते हैं ना, दुख जब आता है ना तो बहुत सोच समझ के नहीं आता है, तो उसकी लिमिट ही नहीं होती है। वो इस टाइम इतनी ज़्यादा दुखी चल रही हैं, बहुत ज़्यादा दुखी चल रही हैं। उनके जो ब्लॉग अभी उन्होंने 3 दिन पहले डाला था, छोटा सा अपडेट डाला था, तो उसको देख के इतना रोना आ रहा था, इतना अजीब लग रहा था कि क्या हो जाता है अचानक से। वो एकदम से कितनी हैप्पी थी, उनकी फैमिली में कितनी खुशियाँ थी, कितनी खुश थी वो इस चीज़ को लेके, ठीक है वो मैं बता देती हूँ। तो अभी वो पहले का जो उन्होंने ब्लॉग वगैरह बनाए थे, हॉस्पिटल बेबी की शॉपिंग है ना, हॉस्पिटल बैग पैक किया, बहुत ही मतलब कहते हैं ना, एक बच्चा होता है, बच्चे की माँ बनना बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत ही किस्मत से ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो क्या नाम, अब सही बात है ना, 9 महीने से बच्चे को जिन्होंने अपने कोख में, पेट में रखा है, और वो अचानक से उस बच्चे के साथ में ऐसा हो जाए, तो कोई भी माँ यार शांत नहीं रहेगी, बहुत बुरा लगता है। तो यही चीज़ उनके साथ में हुई है कि उनका बेबी वाय हुआ था, वो भी नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था उनके बेबी वाय, तो ऐसी 3.5 kg के समथिंग था, यानी कि 3.5 किलो का बेबी था, एकदम स्वस्थ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बड़े आराम से। आप लोग जान सकते हो आज की डेट में नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ही मुश्किल होती है, हमेशा ज़्यादातर ऑपरेशन ही होती है, वो भी इतना वेटेड बच्चा और नॉर्मल डिलीवरी से, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात थी, बहुत अच्छा था, उनका बच्चा आया इस दुनिया में, भगवान ने उनको बहुत ही अच्छा सा बच्चा दिया, बेबी बॉय था, बहुत अच्छा लगा होगा उनको। लेकिन अचानक से उस बच्चे के साथ में पता नहीं हार्ट बीट में क्या प्रॉब्लम हुई, सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हुई उसको, तो डॉक्टर ने तुरंत ही उसको उसमें रख दिया कि मशीन में, बोला कि नेक्स्ट जो उसकी सर्जरी होगी, तो सर्जरी वगैरह कराई गई, उसका सब कुछ हुआ, तो फिर सर्जरी के बाद पता चला कि बच्चा नहीं रहा है अभी इस दुनिया में। तो ये सुन के वो जो बात बोल रही थी, कसम से मेरी आँख में आंसू आ गए,
बहुत ही ज्यादा मेरे को अजीब लगा कि पता नहीं भगवान की इसमें देखो कोई गलती नहीं होती। उन्होंने वहाँ बोला भी है कि भगवान को कोई भी कुछ मत बोलना, या फिर मेरे हालात को कोई कुछ मत बोलना, मेरी किस्मत को मत कोसना। तो ये नहीं है, हो जाता है कभी कभी, नेचुरलिटी थी, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम उस बच्चे के साथ नहीं थी। अब कहते हैं ना क्या कर सकते हैं, तो वही सब प्रॉब्लम हुई है। और उन्होंने बच्चे किया और अचानक से वीडियो फोटो तो नहीं बना पाई, जब ऐसी सिचुएशन में नहीं तो वो कैसे यार वीडियो और पोस्ट कोई कर सकती थी, है ना। तो आज उन्होंने मतलब 3 दिन पहले एक छोटा सा 3-4 मिनट का अपडेट दिया हम लोगों के लिए, कि कम से कम हम लोगों को पता चले उस चीज़ के बारे में, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे कि आखिरकार ऐसा उनके साथ होगा, बेबी वाया होगा या बेबी गर्ल। एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे हम लोग कि क्या होगा, अचानक से ऐसा हो गया। तो कोई भी फोटो वगैरह नहीं लिया, तो बहुत दुख हो रहा है। भगवान करे उनकी बहुत जल्दी से फिर से भर जाए, फिर से उनका जो एक फूल था वो फूल बार बार बोल रही थी अपने बच्चे को, तो भगवान उनको वो प्यारा सा फूल जल्दी से जल्दी लौटा दें। कहते ना भगवान अगर कुछ गलत करते भी हैं तो उसके पीछे बहुत ही कुछ अच्छा लिखा होता है, कुछ अच्छा करने के लिए लिखा होता है। तो शायद भगवान उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हों, और उनको वही जो बेबी हुआ था वही फिर से उनको उनकी गोद में भगवान लौटा देंगे। मैं यही भगवान से प्रे करती हूँ, जल्द से जल्द उनकी गोद भर जाए, जल्द से जल्द उनकी फैमिली में खुशी आ जाए, उनको हिम्मत दे इस दुख से मरने की। मतलब मैं उनकी ये दाग देती हूँ कि कम से कम वो हम लोगों के लिए अपडेट लेके आई। यार मेरी तो हिम्मत नहीं होती, मतलब कोई भी होता इस जगह पे तो हर इंसान टूट जाता, वो भी टूटी हुई है, लेकिन सिर्फ हम लोगों के लिए ही तो वो एक छोटा सा अपडेट लेके आई थी ना, कि हम लोग को पता चल सके। और फिर भी वहाँ पे लोग आके नेगेटिव कमेंट करेंगे, यार तो कितना बुरा लगेगा इस हाल में भी, ऐसे पल में भी लोग डिसलाइक करके जा रहे हैं। यार क्या हो, इस टाइम में तो लोग दुश्मन भी अपने हो जाते हैं, यार कैसे लोग हो जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, कम से कम नहीं कुछ कर सकते हो। तो उनको मतलब उनकी फैमिली को हिम्मत को देने की बात कह सकते हो, तो यार क्यों ये सब कर रहे हो। मैं तो यही कहती हूँ भगवान किसी के साथ मतलब ऐसा ना करे, और भगवान का कोई कसूर नहीं होता है इन सब चीज़ों में। भगवान हमेशा देते ही हैं हम लोगों को खुशी का, हमेशा ख्याल रखते हैं भगवान से। हम लोग जितनी उम्मीद करते हैं ना, उससे उम्मीद से ज़्यादा ही हम लोगों को देते हैं। तो भगवान का कोई कसूर नहीं होता है किसी भी चीज़ में, बस थोड़ी हिम्मत रखनी होती है, तो बस थोड़ा पेशेंस होता है। उस टाइम बहुत बुरा लगता है, काश ये ना हुआ होता, तो बस वही चीज़ बुरी लगती है। तो मैं यही सोचती हूँ कि भगवान बस उनको हिम्मत दें, जल्द से जल्द उनके साथ फिर से वही प्यारा सा बेबी आ जाए। और आज की डेट में नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो भी नॉर्मल डिलीवरी के साथ उन्होंने बेबी बॉय को जन्म दिया था। तो वो रो रही थी ना, वो चीज़ देख के बहुत मेरे को हर्ट हुआ, बहुत बुरा लग रहा था। मैं कुछ दिन से ही उनसे अटैच्ड हूँ, कहते ना जिससे अगर आप अटैच्ड होते हो तो थोड़ा बुरा लगता ही है, अगर नहीं भी होते हो तो भी इस सिचुएशन में थी तो वो सोच के ही, वो देख के ही बहुत बुरा लग रहा था। मैं समझ सकती हूँ माँ का दुख बहुत बुरा होता है जब उसके बच्चे पे ये सब परिस्थिति आती है। बच्चा जब परेशान होता है तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है, खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं कुछ समझ में आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो वही चीज़ मैं सोच रही थी कि ऐसा मतलब कितनी यार एक्साइटेड थी कि सब कुछ अच्छा होगा। भगवान में तो यही प्रे करती हूँ जिसके भी बच्चे हों स्वस्थ हों अच्छे हों, किसी से माँ का उसका बच्चा दूर ना हो, हमेशा उसके साथ रहे, बस मैं यही प्रे करती हूँ। तो मैं यही छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आई थी, सिर्फ मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, एक मिनट, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि भगवान उनको हिम्मत दे, मान्या जी को इतनी हिम्मत दे। मान्या जी के लिए मैं छोटा सा सिर्फ एक ब्लॉग लेके आई थी कि सिर्फ कहते हैं ना इंसान पैसों से मदद नहीं कर सकता, लेकिन दुआओं से मदद कर सकता है। दुआएं बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, और मैं दुआओं की कल्पना मैं खुद अपने हिसाब से कर सकती हूँ कि दुआएं कितनी ज़रूरी होती हैं इंसान के लिए। मरते हुए इंसान को जिंदा कर देती हैं दुआएं, तो बस मैं उनके लिए दुआएं कर रही हूँ कि भगवान उनके लिए भी अच्छा से अच्छा करें, उनकी लाइफ में फिर से खुशियाँ आएँ, और उनकी फैमिली में हंसी खुशी सब कुछ रहे, और बस उनको हिम्मत दें। मान्या जी आप खुश रहें अपनी लाइफ में, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, आपके साथ फिर से बहुत अच्छा बहुत खुशी भरा पल आने वाला है।
बस इस पल से गुजरने के लिए थोड़ी आपको हिम्मत मिले। और बादल बहुत गरज रहा है, मुझे अंदर भी जाना होगा, मुझे अपनी बेटी को थोड़ा देखना है, वो सो रही है। सो तब तक के लिए फिर मिलेंगे, हम कोशिश करेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों तक लेके आए। सो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो आप।